أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم dear students welcome to Shaheen Leaders Academy Rawalpindi students आज हमने आपके लिए physics test number 14 के लिए एक बड़ी special video बनाई है इसमें हमने वो तमाम definitions short definitions इस्तेमाल की हैं आपको बाकायदा से पढ़ाई हैं बताई हैं उनको explain की है जो कि पाकिस्तान Air Force Army Navy ISSB के different जो test हैं इंटरव्यूज़ हैं रिटन और एकेडमिक टेस्ट हैं उनमें ये बार बार रिपीट हो रही हैं और बार बार पूछी जा रही हैं लिहाजा इनको अच्छे तरीके से याद कर लें तैयार कर लें चूँकि करंटली भी ये सारे पेपर्स में रिपीट हो रही हैं तो फ्यूचर में भी ऑल्सो एक्सपेक्टेडली ये जो डेफिनेशंस हैं सारी इंशाल्लाह ज़रूर उन्हीं पेपर के अंदर आप उसमें देखेंगे तो लिहाजा आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं बगैर किसी तमहीद के सबसे पहला जो पार्ट है इसका फर्स्ट पेज के ऊपर देखते हैं जी वो हम स्पीड के बारे में पढ़ना चाहेंगे एक स्पीड क्या है जी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ यहाँ से पॉइंटर की मदद से जी डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड जी यूनिट टाइम के अंदर तय शुदा फासले को आप क्या कहेंगे स्पीड कहेंगे मुख्तसरन मैं एक्सप्लेन करूँगा आगे The rate at which a body covers a distance is also called speed. जी The rate at which a body covers a distance. वो शरा जिसके ऊपर एक बॉडी कवर करती है एक फासले को उसको भी आप स्पीड का नाम देते हैं The rate of change of the displacement is called velocity. जी Velocity की डेफिनेशन क्या है जब आप rate of change of displacement, यानी हटाओ displacement के अंदर आप change देखते हैं रेट की उसकी जो चेंज देखते हैं तब्दीली देखते हैं तो उसको आप क्या कहते हैं वेलोसिटी द रेट ऑफ द चेंज ऑफ द वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन जी एक्सेलरेशन को यहाँ पे डिफाइन किया गया है कि एक्सेलरेशन क्या है इसको कैसे डिफाइन किया गया है दैट द रेट ऑफ द चेंज ऑफ द वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन नेक्स्ट वन इज द डिस्टेंस कवर्ड इन पर्टिकुलर डायरेक्शन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट जी अगर कोई आपसे डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन पूछे तो एक ऐसा फासला जो कि एक खास समत की तरफ तय करते हैं उसी फासले को आप कहते हैं डिस्प्लेसमेंट हटाओ इसको उर्दू जबान में कहा जाता है हटाओ स्टूडेंट्स मोमेंटम की डेफिनेशन ये है कि द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड दोनों वेलोसिटी और जो मास है कमियत इन दोनों की जो प्रोडक्ट है उसको आप क्या कहेंगे मोमेंटम द रोटेशनल इफेक्ट ऑफ द फोर्स इज कॉल्ड टार्क टार्क की डेफिनेशन क्या है रोटेशनल इफेक्ट ऑफ द फोर्स इज कॉल्ड टार्क द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज ऑल्सो कॉल्ड पावर जी द वर्क ऑफ डूइंग द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज ऑल्सो कॉल्ड पावर नेक्स्ट वन इज द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज ऑल्सो कॉल्ड एनर्जी एनर्जी की अगर कोई आपसे डेफिनेशन पूछे द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क काम करने की जो इस्तेतात है सलाहियत है आपके अंदर कैपेसिटी है उसको आप क्या कहते हैं एनर्जी क्वांटिटी ऑफ द मैटर इन अ बॉडी इज कॉल्ड मास मास उर्दू जबान में इसको कमियत भी कहा जाता है और बॉडी के अंदर मैटर की तादाद को मैटर की मिकदार को क्वांटिटी मिकदार को आप क्या कहते हैं मास सीरियल नंबर 11 पे यंग मॉडुलस की डेफिनेशन है द रेशियो बिटवीन द स्ट्रेस एंड स्ट्रेन इज कॉल्ड यंग मॉडुलस स्ट्रेस और स्ट्रेन के दरमियान जो रेशियो है तनासुब है उसको आप क्या कहते हैं यंग मॉडुलस नेक्स्ट हुक्स लॉ का आप देख सकते हैं डेफिनेशन द रिलेशनशिप बिटवीन द स्ट्रेस एंड स्ट्रेन जी वहाँ पे रेशियो की बात हो रही थी स्ट्रेस और स्ट्रेन की यहाँ पे रिलेशनशिप की बात हो रही है स्ट्रेस और स्ट्रेन के दरमियान का जो तल्लुक है उसको आप क्या कहते हैं हुक्स लॉ द इररेगुलर मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड ब्राउनियन मोशन जी ब्राउनियन मोशन की डेफिनेशन क्या है कि जब मॉलिक्यूल्स इररेगुलरली मूव करते हैं एक जगह से दूसरी जगह उनकी मूवमेंट होती है मोशन करते हैं हरकत करते हैं तो फिर उसको आप कहेंगे दैट इज ब्रोनियन लॉ स्टूडेंट सीरियल नंबर 14 रेशियो ऑफ लैंड एंड इफेक्ट इज कॉल्ड सॉरी द रेशियो ऑफ लैंड एंड एफर्ट इज कॉल्ड मैकेनिकल एडवांटेज की डेफिनेशन है द रेशियो ऑफ लोड एंड एफर्ट जिसके ऊपर जितनी आप वजन और जो उसके ऊपर लगाई गई ताकत की जो रेशियो है उसको आप कहेंगे मैकेनिकल एडवांटेज द रेशियो ऑफ द आउटपुट एंड इनपुट इज कॉल्ड एफिशिएंसी जी इनपुट और आउटपुट जब आप कोई चीज़ इनपुट करते हैं तो वहाँ से आपको आउटपुट मिलती है इसके दरमियान जो तनासुब है जो रेशियो है उसको आप कहते हैं एफिशिएंसी नेक्स्ट है प्रेशर प्रेशर की क्या डेफिनेशन है
प्रेशर इज द फोर्स एग्जर्टेड परपेंडिकुलरली ऑन द यूनिट एरिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट। यूनिट एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट के ऊपर आप परपेंडिकुलरली कोई भी फोर्स आप एग्जर्ट करते हैं तो आप उसको कहेंगे प्रेशर। 17 नंबर, द फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट एरिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड स्ट्रेस। जी स्ट्रेस क्या है? द फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट एरिया, यूनिट एरिया के ऊपर जो आप फोर्स आप एक्ट कर रहे हैं ऑफ एन ऑब्जेक्ट तो उसको आप कहेंगे स्ट्रेस। स्टूडेंट्स, ऑनरेबल व्यूअर्स, सीरियल नंबर 18 पे आप देखें, इफ अ स्ट्रेस प्रोड्यूसेस अ चेंज इन द लेंथ देन द रेशियो ऑफ अ चेंज इन लेंथ टू ओरिजिनल लेंथ इज कॉल्ड टेंसाइल स्ट्रेन। जी टेंसाइल स्ट्रेन क्या है? कि जब आप स्ट्रेस, एक ऐसा स्ट्रेस जो कि प्रोड्यूस होता है चेंजेस इन द लेंथ, जब लेंथ के अंदर भी तब्दीली आ जाती है, देन द रेशियो ऑफ द चेंज इन द लेंथ टू ओरिजिनल, जी वो जो चेंज हो जाती है ओरिजिनल की तरफ लेंथ, लेंथ इज कॉल्ड, ओरिजिनल लेंथ को आप कहेंगे टेंसाइल स्ट्रेन। द फोर्स विद विच अर्थ अट्रैक्ट्स इट्स सेंटर इज कॉल्ड वेट। जी कश्य शक्ल की वजह से हर एक चीज अपने मुख्तलिफ जो बॉडीज होती हैं उनको अपनी तरफ जमीन खींचती है तो उसको आप क्या कहते हैं? वेट। वेट जो होता है हमेशा अट्रैक्ट होता है ग्राउंड की तरफ, ऊपर से नीचे की तरफ गिरता है। Viscosity is the force that arises due to the force of friction between the different layers of a fluid of flow. First, the process of change of the liquid into vapor. जी, जब आपका माया आबी बुखारात के अंदर तब्दील हो जाता है without boiling is called evaporation. उसको आप boil नहीं करते, इसको कहा जाता है evaporation. आबी बुखारात का हवा में उड़ जाना। The flow of electronics is called current. जी करंट की डेफिनेशन क्या है? The flow of electrons, electrons का वहाँ से एक जगह से दूसरी जगह जाना, चलना, भागना क्या है? करंट है। वोल्टेज की डेफिनेशन, the pressure of electron is called voltage. Number 24, conductor किसे कहते हैं? The substance by which the current passes easily. आसानी से जहाँ से करंट पास हो जाए उसको आप कंडक्टर कहेंगे। There is negative charge on beta rays. आज की इस वीडियो में हमने बड़ी ही मुख्तसर डेफिनेशंस आपके साथ शेयर की फिजिक्स की। ये डेफिनेशंस उम्मीद है आपने इनको लर्न किया होगा, हमने इनकी इतनी डिटेल में वजात तो नहीं की है लेकिन मुख्तसर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ें आपको समझा दी हैं ताकि आपके लिए आसानी हो। स्टूडेंट्स, हमारी अकेडमी को ज़रूर आप विज़िट करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट आप गूगल में जब लिखेंगे शाहीन लीडर्स एकेडमी तो आपको सामने डिस्प्ले होगा शाहीन लीडर्स एकेडमी की ऑफिशियल वेबसाइट www.shaheenleaderacademy.com। तो स्टूडेंट्स, इन्हीं अल्फाज के साथ हम आपसे इजाज़त चाहते हैं, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। अनकरीब इंशाल्लाह हम उस अगली वीडियो में आपसे मुलाकात करेंगे जिसमें हम ताज़ा तरीन सवालात पाकिस्तान एयरफोर्स, आर्मी, नेवी और एज ए सिविलियन जब आप ज्वाइन कर रहे होते हैं या मैरीन ज्वाइन कर रहे होते हैं तो डिफरेंट आपके एकेडमिक टेस्ट के लिए हम दोबारा इंशाल्लाह वो सवालात शामिल करेंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। पाकिस्तान आर्म फोर्सेज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।